हेलो गाइस, आपके लिए लेके आया एक नया वीडियो जहाँ पर फैक्ट्री में वाइब्रेटिंग टेबल में कैसे बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो है। ये जो मिक्सर डाला जा रहा है मोल्ड में, वो M30 मिक्स डिज़ाइन के कंसेप्ट में डाला जा रहा है। एक कॉस्मिक बनाया जा रहा है, कॉस्मिक और हेप्टा। कॉस्मिक आता है आपका 60 mm थिकनेस में, 25 पीस का 1 square meter, और 32 पीस में आता है हेप्टा का 1 square meter में, जो कि वाइब्रेटिंग टेबल का मिलता है। ग्लॉसीनेस होता है, वो सामने जो देख रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है। वहाँ पर भी पेपर ब्लॉक बनाया जाता है जहाँ पर आपका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आता है, लेकिन ग्लॉसीनेस नहीं होता है इतना ज़्यादा। लेकिन उसका थिकनेस 60, 80 और 100 mm थिकनेस में भी मिलता है, अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ये जो डीमोल्डिंग हो चुका है, ये सामने जो है कॉस्मिक है, उसका डीमोल्डिंग हो चुका है तो सामने रखा हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, उसके बाद स्टॉक में चला जाएगा। ये जो सामने टाइल्स रखा हुआ है और बाकी जो आप देख रहे हैं सामने, वो 60 mm थिकनेस और 80 mm और 100 mm थिकनेस का यूनी पेपर है, जो पर स्क्वायर मीटर में आपको 40 पीस में मिल जाएगा, 40 पीस मिल जाएगा पर स्क्वायर मीटर में। वैरायटी ऑफ कलर में मिल जाएगा आपको, रेड, ग्रे, येलो कलर में मिल जाएगा। ये जो सामने अभी मतलब क्यूरिंग के लिए रखा हुआ है, 21 दिन क्यूरिंग करने के बाद उसके बाद साइट में जाएगा। पेपर ब्लॉक क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिना क्यूरिंग के उसका स्ट्रेंथ नहीं आएगा। 60 mm थिकनेस का IS कोड के अनुसार में आपको आना चाहिए M30 के आसपास, और 80 mm का M35 के आसपास, और 100 mm थिकनेस का जो है वो आना चाहिए 50 M50 के आसपास। तो उसके लिए 21 दिन तक क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।